SC ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर बेअसर जरूर किया है, लेकिन BJP नेताओं को इसे लेकर सामान्य वर्ग के लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। हम कहते हैं आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी है, अब हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही है, तो काहे का पद है मैडम? भैया मैं क्यों काट रही हूँ? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, तलवार होगा? अरे नहीं मैडम, ये तो नहीं नहीं गलत बात है मैडम, आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। सर काटना गलत, काटना कहाँ की बात है? आपको शोभा नहीं देता मैडम, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता गलत काटना, सर काटना। अब आपको मध्य प्रदेश के शहडोल से आज आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां BJP सांसद रिति पाठक को जनता ने घेर लिया। सांसद महोदया को जवाब देते न बना तो वो कुतर्क पर उतारू हुई, कहने लगी सर काट लो मेरा। एक बार फिर आपको सुनाएंगे। हम कहते हैं आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी है, आप हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही हैं, तो काहे का पद है मैडम? भैया मैं क्यों काट रही हूँ? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, तलवार होगा? अरे नहीं मैडम, ये तो नहीं गलत बात है मैडम, आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। सर काटना गलत, काटना कहाँ की बात है? आपको शोभा नहीं देता मैडम, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता गलत काटना, सर काटना। अब खबर समझना जरूरी है, इसलिए खबर समझिए कि SC ST एक्ट में संशोधन कैसे बन गया BJP की गले की हड्डी। तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, और इस कानून के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही गिरफ्तारी होगी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में दलित आंदोलन हुए, एक दर्जन लोगों की मौत हो गई, और दलितों को मनाने के लिए संशोधन विधेयक लाकर मोदी सरकार ने कोर्ट का फैसला बदल दिया। इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में समन्वय संगठन मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।